गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की बढ़ती चुनौतियों और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा कमान कॉमन सेंटर स्थापित कर कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने सहित त्योहारों को सफल संपन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा, बोर्ड के माध्यम से 6 योजनाएं संचालित कर लोगों को दिया गया रोजगार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मंगलवार को निर्वाचक नियमावलियों के पुनरीक्षण के गतिविधियों की समीक्षा, वोटर आईडी कार्ड की गलतियों को सुधारने सहित मतदाता सूची के सत्यापन के दिए निर्देश। आतंकियों के तार जुड़े होने की सूचना पर गोरखपुर एयरपोर्ट एवं आसपास की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी को किया गया निर्देशित। एसपीसीजी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, कोई अवांछित तत्व दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को दे सूचना। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की समीक्षा, ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर डाटा एंट्री तैयार करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई रामगढ़ताल को आर्द्रभूमि घोषित किए जाने के संबंध में जिला स्तरीय वेटलैंड समिति की बैठक। शासन के निर्देशानुसार रामगढ़ताल के क्षेत्र का सत्यापन के साथ एनजीटी के मानकों पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शैक्षिक संस्थाओं को सीखने का केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यशाला, लर्निंग हब, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड डीआरआर विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। सिटी वन चैनल के संस्थापक अशोक कुमार वर्मा के आकस्मिक निधन पर मीडिया जगत में शोक की लहर। गोरखपुर न्यूज परिवार ने शोक सभा कर दिवंगत आत्मा के प्रति अर्पित की अपनी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित हुई परंपरागत माटी कला कारीगरों की सुविधा एवं समस्याओं पर परिचर्चा। शासन की योजनाओं को माटी कला से जुड़े लोगों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। कहा, गांव स्तर पर बनाई जाए माटी कलाकारों की सूची। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की संपन्न हुई बैठक। विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में 307 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 4 की हुई मौत। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 7,797। अब तक 113 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 2,685 हुए एक्टिव कोरोना मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा मुहर्रम पर्व के दृष्टिगत रेती चौक आदि स्थानों पर अपनी टीम संग किया पैदल गश्त। सामाजिक दूरी बनाए रखने के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बिना मास्क के घूम रहे लोगों का किया चालान। और फीस माफी को लेकर श्री राजपूत करणी सेना ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान छात्रों की फीस माफ करने की मांग।